तो घर बचा पूर्णिया में, सारी संपत्ति बेच दिए। 56 लाख लोग सड़क पर था, माँ के पास बाथरूम नहीं था, 3500 शौचालय, लगभग 2000 सुपर चंडे पर 32 लाख लोगों को 2 महीने तक सड़क पर बैठ के पप्पू यादव हर घर तक खाना पहुंचाए। उस पर कोई क्यों नहीं होता, उस पर कोई नेता क्यों नहीं, उस पर कोई नेता क्यों नहीं, कहे क्यों उस वक्त नेता नहीं होता, उस वक्त पप्पू आपका बेटा क्यों, सिर्फ पप्पू क्यों, जब आपके घर में कोई परेशान करता है अकेला पप्पू यादव होता है पूरे भारत में। उस वक्त ये नेता कहाँ गया, किताब किताब कहाँ है, ये किताब है प्रतिज्ञा पत्र, ये मेरा हाईकोर्ट में दस्तखत है, जज को मैंने कह दिया, जज को लिखित दे दिया कि किसी भी कीमत पर हमको यदि तपरपुर में अपना मान लिया, मैं वचन देता हूँ चिपकी बुखार में हम 3 महीना यहीं रह गए। नीतीश कुमार 19 दिन के बाद आया, पूरे भारत से डॉक्टर लेके हम आए और एक एक दलित एक बार नहीं 6 सालों तक जब तक हम एमपी है चिपकी बुखार में अकेले आए, एक को नहीं पहुंचा, नीतीश नहीं पहुंचा। गरीब के बच्चों की बारी हो तब पप्पू, मैंने कहा सिर्फ 3 साल हमको बच दीजिए, 3 साल में यदि एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं हुआ तो हम राजनीति से संन्यास। एक भी गरीब का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, एक भी 5 सालों तक वो पढ़ेगा और जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसके परिवार को 4000 रुपया महीना पप्पू यादव की सरकार। एक भी इंटर करने के बाद बच्चा जो पढ़ना चाहेगा उसको माँ बाप पर अश्रिंत नहीं रहने देंगे, गरीब को 8000 रुपया हर बच्चों के अकाउंट में पप्पू यादव देगा जब तक वो पढ़ेगा। कोचिंग फ्री, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, हमेशा कोचिंग फ्री कर देंगे, कोई गरीब को पैसा नहीं लगता। चलो बाबू, ये पप्पू।